कौन है अभिमन्यु ईश्वरन जिसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चुना गया है? अभिमन्यु ईश्वरन का पूरा नाम अभिमन्यु रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन है। अभिमन्यु ईश्वरन का जन्म 6 सितंबर 1995 में देहरादून में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले इस होनहार बल्लेबाज को बतौर ओपनिंग विकल्प टीम में जगह मिली है। 2011 में जब भारत ने अपना दूसरा विश्व कप जीता था, तब अभिमन्यु महज 15 साल के थे। दाएं हाथ से बल्लेबाजी के साथ साथ वो लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अभिमन्यु ईश्वरन के क्रिकेट करियर की। 3 नियमित ओपनर्स के साथ इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने वाली टीम में ईश्वरन को सिर्फ इस वजह से मौका दिया गया है कि वो सीनियर्स के साथ समय गुजारकर खुद को पॉलिश कर सके, वरना रोहित शर्मा, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल के बीच उनकी टीम में वैसे भी कोई जगह नहीं बनती थी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट और इंडिया ए के लिए लगातार रन उगल रहे इस युवा का जिक्र चयन समिति की लगभग हर बैठक में होता है। 64 प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक और 18 अर्धशतक के बूते उन्होंने 4,401 रन भी बनाए हैं। अभिमन्यु ईश्वरन का परिवार। अभिमन्यु के पिता आरपी ईश्वरन जाने माने सीए हैं। उन्होंने कई साल पहले पुरकुल गांव में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की, जहां अभिमन्यु ने भी क्रिकेट का कखरा सीखा। बाद में उन्होंने दिल्ली और फिर बंगाल का रुख किया। उन्होंने बंगाल टीम के कप्तान के तौर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।